हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेके आया हूँ, जिसमें आपको सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको निजी विद्यालयों में निःशुल्क एडमिशन मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखें, इसमें देखो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, कब कहाँ और क्या करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। देखो इसमें आपको दे रखा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो इसमें देखो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में मिलेगा एडमिशन, मतलब जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनमें आपके बच्चों को एडमिशन मिलेगा। 23 से 30 अप्रैल तक खोला जाएगा पोर्टल, मतलब जो 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपके एडमिशन शुरू हो सकते हैं। तो देखो ये राजधानी हरियाणा की खबर है, इसमें देखो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को सरकारी विद्यालयों से निजी विद्यालयों में एडमिशन के लिए पोर्टल बनाया गया है। मतलब कोई भी सरकारी स्कूल का कोई बच्चा है तो वो निजी स्कूल में पढ़ सकता है। इस पोर्टल पर 23 अप्रैल से निजी स्कूल पंजीकरण कर सकेंगे, मतलब वो स्कूल जो अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए ये पंजीकरण कर सकते हैं। यह दाखिले दूसरी से बारहवीं कक्षा तक होंगे, मतलब ऐसे बच्चे जो दूसरी क्लास से लेके और बारहवीं तक पढ़ रहे हैं उनका दाखिला हो सकता है। जो स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन देने के इच्छुक हैं वे स्कूल 23 से 30 अप्रैल तक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे, मतलब ऐसे स्कूल जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको एडमिशन देना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। निजी स्कूलों में उन बच्चों का एडमिशन होगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.80 लाख रुपये, मतलब 1,80,000 रुपये या इससे कम है। इसके लिए विभाग द्वारा स्कूलों को कक्षा 2 से 5 तक 700 रुपये, मतलब आपकी फीस है जो गवर्नमेंट द्वारा स्कूलों को भेजी जाएगी। इसमें देखो जो कक्षा दो से लेके पाँचवीं तक का अगर कोई बच्चा है तो उसके 700 रुपये, और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का 900 रुपये, और 9वीं से 12वीं तक के प्रति छात्र 1100 रुपये मासिक, या फार्म 6 में घोषित शुल्क राशि जो भी कम होगी वह विद्यालय को अदा की जाएगी। मतलब ये सारी की सारी राशि जो शिक्षा विभाग है आपका वो देगा उन स्कूलों को जो फ्री में पढ़ाई करवा रहे हैं। उसके बाद देखो निजी मान्यता प्राप्त स्कूल 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी सहमति दे सकेंगे। तो मतलब इस तरह का कोई ये नोटिफिकेशन आया है जिससे आपके बच्चे या आप जो भी है वो सरकारी स्कूल में अगर जा रहे हो तो आप निजी स्कूलों में पढ़ सकते हो। तो इस तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचाएं, जिससे जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आने वाले वीडियो तक धन्यवाद।